और चलिए शुरुआत करेंगे और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां कुलदेव नारायण मंदिर में बीती रात आग लगी है। लाखों का नुकसान इस हादसे में हुआ है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। सुबह सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है, आग को बुझाने का काम किया जा रहा है। तो किन्नौर से इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं, जहां कुलदेव नारायण मंदिर में बीती रात आग लगी है और इस आग की वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। तस्वीरें भी सामने आई है। अल सुबह से ही आग को बुझाने का काम किया जा रहा है। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। करोड़ों के नुकसान का आंकलन किया गया है। तस्वीरें सामने आई है। देर रात ये आग लगी है। आग किस वजह से लगी ये कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, छानबीन की जा रही है। लेकिन ये एक प्राचीन मंदिर है, कुलदेव नारायण ये मंदिर है, जिसमें अचानक आग लगी है। आग किस वजह से लगी ये कारण पता लगाने की कोशिशें की जा रही है। सुबह सूचना मिलने पर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची है। आग को बुझाने का काम फिलहाल जारी है। करोड़ों रुपए के नुकसान की इसमें आशंका जताई जा रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कितनी भयावह ये आग है अचानक इस मंदिर में जो लगी है। देर रात का ये मामला है। किन्नौर से आपको ये अहम खबर इस वक्त दे रहे हैं, जहां कुलदेव नारायण के मंदिर में ये आग लगी है। सहयोगी अरुण नेगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद है। अरुण, मौके पर इस वक्त क्या स्थिति है और किस वजह से ये आग लगी, क्या कारण अभी तक स्पष्ट हो पाया है? अरुण जाते, सबसे पहले यह है कि जो किन्नौर जिले के रूपी पंचायत में जो एक नालिंग गांव वहां के जो कुल देवता नारायण मंदिर की में रात करीब 10 और 11 के बीच आग लगी थी, और इस आग जनी में करीब 5 करोड़ का जो देवी देवताओं के जितने भी जो सोने चांदी के मोहरे थे वो जलकर पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। और ग्रामीणों के सहयोग से करीब सुबह 5 के आसपास जो आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि प्रशासन को सूचना रात को दी गई थी, लेकिन सवेरे 6 बजे वो मौके के रवाना गए हुए हैं। अभी तक आग लगने के कारण और कुल नुकसान कितने हुए उसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई। जी अरुण, जो मोटा मोटा आंकलन किया गया है, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, यहाँ पर भगवान के जितने भी मोहरे खोटे थे वो सारे जलकर राख हो गए हैं, और उनका आंकलन अगर किया जाए तो करोड़ों में उनकी कीमत है। इसके अलावा मंदिर परिसर में किस तरीके से नजारा देखने को मिल रहा है? क्या आग पर पूरे तरीके से काबू पा लिया गया है या अभी भी आग बुझाने की कोशिशें जारी है? ये आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी बीच में जो जलता हुआ जो लकड़ी है, जो पुराना जो लकड़ी का जो मंदिर था जो पुरानी शैली में बने हुए थी, वो अभी भी हल्का हल्का जल रहा है। तो ग्रामीण पानी लगाकर उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम भी बाबा नगर से सुबह ही रवाना हो चुकी है। जी अरुण, मंदिर के पुजारी से बातचीत हो पाई, जो मंदिर का रखरखाव करते हैं उनसे बातचीत हो पाई, उनका क्या कहना है? अभी तक वहाँ मंदिर में किसी से बात नहीं हुई, ना ही प्रशासन से बात हुई है। सिर्फ इतना है कि जो फायर ब्रिगेड की टीम गई है जो मौके पे, उनसे बात हुई है, उन्होंने यही कहा कि आग पर अभी पूरी तरह काबू नहीं पाया गया, लेकिन हल्की हल्की जल रही है और उसमें जुटे हुए हैं, क्योंकि जो रूपी गांव है वहां पे कुछ सिग्नल का भी दिक्कत रहता है, जिस कारण से प्रॉपर वहां के लोगों से बात नहीं हो पा रही थी। ठीक है अरुण, हालांकि आप बात करने की कोशिश जारी रखिएगा, अगर संभव हो तो मंदिर के पुजारी से संपर्क करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए अरुण आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे सहयोगी ये तमाम जानकारियां दे रहे थे। आग पर अभी पूरे तरीके से काबू नहीं पाया जा सका है, क्योंकि ये मंदिर बहुत पुराना प्राचीन लकड़ी से बना हुआ मंदिर है, इस वजह से आग बुझाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग भी आग बुझाने में जुटे हुए हैं, और अगर नुकसान की बात की जाए तो करोड़ों रुपए का नुकसान यहां पर फिलहाल हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और शिमला के राज्य सचिवालय में सुखू कैबिनेट की अहम बैठक हुई। सीएम सुखविंदर सिंह सुखू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला ओपीएस को लेकर लिया गया, जिसमें कैबिनेट ने ओपीएस की एसओपी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से राज्य सरकार के कर्मचारियों का एनपीएस शेयर नहीं कटेगा। इसके अलावा सुखू कैबिनेट ने एटिक फ्लोर को रहने योग्य बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम 2014 में संशोधन को भी स्वीकृति दी है, जिससे एटिक फ्लोर हैबिटेबल एरिया घोषित हो गया है। सुखू कैबिनेट ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 530 लेक्चरर के पद भरने का भी फैसला लिया है। जो हमने चुनाव में वायदा किया था कि हम जो पुरानी पेंशन जो है बहाल करेंगे, और जिसको हमने पहली कैबिनेट में जो है मंजूरी दी है,
आज कैबिनेट ने विधिवत रूप से ओपीएस को आज लागू करने का फैसला किया है, और जो हमारा शेयर था, एम्प्लॉयज का शेयर था जो न्यू पेंशन स्कीम का है, उसको अगले महीने से बंद कर दिया गया है। तो ये एम्प्लॉयज की मांग थी, इसको जो है हमने विधिवत रूप से आज पूरा किया है। दूसरा जो हमारा इसमें एजेंडा में था कि जो हमारा एटिक का एरिया है वो उसका जो हाइट थी वो कम हुआ करती थी और उसको एक फ्लोर नहीं कंसिडर किया जाता था। आज कैबिनेट ने जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में जो एटिक है उसको रेगुलराइज कर दिया है और उसका जो हाइट को है उसको 3.05 मीटर जो है वो उसको फिक्स किया गया है। तो वो जितना भी एरिया है वो पुराने भी जो है वो एटिक वाले एरिया वो रेगुलराइज हो जाएंगे और आइंदा से भी जो है एटिक को उसमें शामिल किया जाएगा, लिवेबल एरिया, हैबिटेट हैबिटेबल एरिया जो डिक्लेयर किया गया है। इसके अलावा जो है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग में बहुत सारे पद खाली पड़े हुए हैं और कैबिनेट ने जो है आज फैसला किया है कि इसमें 530 जो है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो लेक्चरर्स के पोस्ट है वो तुरंत भरे जाएंगे और पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ये पद जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भरे जाएंगे। इसके अलावा पोस्टें जो है वो डीएसपी की जो है वो सैंक्शन की है और कैबिनेट के थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है इसको जो है। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों ने प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया है। इसमें कांग्रेस उम्मीदवार मोहल्लों और बाजारों में लोगों से विकास के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आए। नगर निगम शिमला का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और दोनों राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस ने लगभग आधे से ज्यादा उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है और अब प्रत्याशी जिनके नाम लिस्ट में आ चुके हैं, जिनका नाम हो चुका है, उन्होंने वोट मांगना शुरू कर दिया। इस वक्त हम मिडल बाजार में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, इनसे बात करते हैं। अब कौन सा है, वार्ड है, क्या नाम आपका है और क्या इश्यूज आपके हैं इस बार चुनावों में? मेरा नाम उमंग बांगा है, हमारा वार्ड नंबर 15 है। इस बार हमारे मेन इश्यूज हैं, एक तो बुजुर्गों के लिए कुछ हमने उनकी हेल्थ को मद्देनजर देखते हुए, क्योंकि ज्यादातर वो अकेले रह रहे हैं, बच्चे बाहर हैं, तो उनकी हेल्थ के लिए उनके लिए क्या सुविधाएं हम और लेके आए। वैसे तो हमने बहुत काम किए हैं इस टेन्योर में मेरे हस्बैंड के, बट अभी भी हमारा ये रहेगा कि हम कोशिश करेंगे कोई टैक्सीज या वैन्स की उनके लिए कुछ हेल्प हो जाए, क्योंकि यहाँ के घर आप देखेंगे ट्रिबल नहीं है, गाड़ियां घर तक नहीं आती हैं, तो भीड़ बहुत है क्योंकि पुराना मार्केट भी है, तो हाँ जी, तो इसमें वो तोड़ भी नहीं सकते हैं, रोड्स नए बन नहीं सकते हैं, बट हम कैसे कोशिश कर रहे हैं कि इनकी हेल्प कैसे करें कि सुविधा इनको मिल जाए, चाहे कार के थ्रू मिल जाए, चाहे टैक्सीज के थ्रू मिल जाए, थ्रू द गवर्नमेंट और कम पैसों में, क्योंकि इस टाइम हम उनपे बर्डन नहीं डाल सकते कि आप स्पेंड करो इसके लिए, कम से कम पैसों में वो उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने का सोचा है। और सेकेंड मुद्दा हमारा बच्चों को लेकर भी है कि बच्चे आजकल हम देख रहे हैं नशे की तरफ जरा ज्यादा झुकाव हो रहा है। बहुत बड़ा इशू आपने ये उठाया, क्योंकि शहर के आसपास जो छोटे छोटे पार्क भी हैं वहां पर भी हम देखते हैं कि ये प्रचलन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसके ऊपर कैसे रणनीति? जी, हम लोग ने सोचा है कि हम लोग नारकोटिक्स और पुलिस के साथ मिलकर उनके सुझाव लेकर, क्योंकि दे आर डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ इशू, रोज का रोज उनका डील करना है, तो उनके साथ हम बातचीत करके वील ट्राई टू कि हमें कैसे एक रणनीति निकालें, कैसे हम कैंप्स लगाएं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स स्कूल्स में कैसे करें। हमारे वार्ड में 2 स्कूल्स पढ़ते हैं, तो हम कैसे उन बच्चों तक रीच करें, उनको अवेयर करें, और साथ ही स्पोर्ट्स में कुछ ऐसा करें कि वो स्पोर्ट्स की तरफ बच्चे डायरेक्ट हो जाएं और नशे की तरफ उनका ध्यान भी ना जाए। धन्यवाद। बड़े इश्यूज इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया और पेन शुरू हो चुका है शिमला में। ये 2 समस्याएं जो उन्होंने बताई ये काफी अहम हैं और बड़ी ये समस्याएं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल। तो जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, वहीं भाजपा ने शिमला नगर निगम चुनावों के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। दूसरी सूची में 5 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। इससे पहले भाजपा 24 प्रत्याशियों की अपनी पहली सूची जारी कर चुकी है। नगर निगम के लिए गुरुवार से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन गुरुवार को किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन नहीं भरा। ऐसे में अब 17 और 18 अप्रैल को प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे।
वहीं शिमला नगर निगम चुनाव के लिए सीपीएम ने भी 4 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में वीरेंद्र ठाकुर, अमित कुमार, दीक्षा ठाकुर और कपिल शर्मा का नाम शामिल है। वहीं शिमला के नगर निगम चुनाव में कांग्रेस जीत हासिल करेगी। कांग्रेस अपने 3 माह के कार्यकाल में विकास की नीतियों और पूर्व के कामों के साथ जनता के बीच जाएगी। ये दावा कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने किया है। उन्होंने कहा कि भाजपाई आरोप तो लगाते हैं लेकिन साबित करने में नाकाम रहते हैं। भाजपा शासनकाल में स्मार्ट सिटी के लिए करोड़ों की राशि आई लेकिन उस धनराशि का दुरुपयोग किया गया। प्रक्रिया शुरू है और कांग्रेस पार्टी जो है अपने मुद्दे लेके जनता के बीच में जाएंगे। स्मार्ट सिटी के उसमें करोड़ों रुपए आए और जिस तरह से भाजपा के समय में स्मार्ट सिटी में पैसे का दुरुपयोग हुआ और जो स्मार्ट बनाना चाहिए था वो नहीं बना, तो लोग उन बातों को ध्यान में रख के जो है इस बार निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को जो है भारी बहुमत से। और चलिए इसी बीच बात करते हैं एक बड़ी खबर की, राजधानी शिमला से मिल रही है, जहां डिपो में मिल रहा सस्ता राशन बहुत जल्द बंद होने वाला है। हिमाचल में 34,000 लोग ऐसे हैं जिन्हें ये राशन मिल रहा है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने इसकी एक सूची जारी की है, अपनी वेबसाइट पर ये सूची जारी की है, जहां फर्जी राशन कार्ड धारकों की ये सूची है। 34,000 ऐसे फर्जी राशन कार्ड धारक है जिन्हें अब डिपो से सस्ते में जो राशन मिलता था वो नहीं मिलेगा। तो बड़ी खबर आपको राजधानी शिमला से बता रहे हैं, जहां डिपो में जो सस्ता राशन मिलता था वो बहुत जल्द बंद होगा। 34,000 लोगों की सूची खाद्य आपूर्ति विभाग ने अपनी वेबसाइट पर डाली है। फर्जीवाड़े के तहत ये लोग राशन ले रहे थे, डिपो से इन्हें राशन सस्ते में मिल रहा था और अब ये सस्ते में मिलने वाला राशन बहुत जल्द बंद होने वाला है। 34,000 लोग ऐसे हैं जिन्हें इस सुविधा का लाभ मिल रहा था, फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनवाकर ये लोग राशन ले रहे थे। ऐसे ही 34,000 लोगों की सूची खाद्य आपूर्ति विभाग ने अपनी वेबसाइट पर डाली है और बहुत जल्द इन सभी का राशन बंद होने वाला है। और ब्रेक के बाद खबर लाहौल स्पीति से, जहां के काजा उपमंडल में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह के सफल आयोजन के लिए समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। यहां रवि ठाकुर ने कहा कि इतिहास में पहली बार काजा में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश के निचले क्षेत्रों की तरह ही जनजातीय क्षेत्रों में विकास को एक समान रूप से प्राथमिकता देने के लिए कृत संकल्पित है और उनका काजा में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस मनाने का फैसला लाहौल स्पीति के वासियों के लिए गौरव का विषय है। 15 अप्रैल हमारा हिमाचल डे का तैयारियों को लेकर आज प्रशासन की मीटिंग चल रही है हमारे काजा के अंदर और इसमें जिला अध्यक्ष महोदय और एसपी साहब भी आए हैं, अभिषेक हमारे एडीसी साहब, बीआरओ से और अन्य सारे अधिकारी यहाँ पर है। और खास तौर से इस बार का जो आकर्षण है इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने हामी भरी है, यहाँ स्पीति घाटी में आकर वो चेयर करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुल्लू की बात करेंगे, जहां के ढालपुर मैदान में जिला प्रशासन की ओर से 15 अप्रैल को होने वाले हिमाचल दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में पुलिस प्रशासन की तरफ से परेड की रिहर्सल की गई, जिसमें 7 टुकड़ियों ने फाइनल एंड फुल ड्रेस रिहर्सल की। इस दौरान एसपी कुल्लू आशीष शर्मा ने परेड का निरीक्षण भी किया। समारोह में मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी तिरंगा झंडा फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। जो जिला स्तरीय हिमाचल दिवस का कार्यक्रम है वो ढालपुर ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है और इस बार कुल 7 प्लाटून हिस्सा ले रही है, जिसमें आईटीबीपी के प्लाटून है, एसएसबी के प्लाटून है, हिमाचल पुलिस की 2 प्लाटून है, 1 होमगार्ड की प्लाटून है, होमगार्ड का बैंड है और 2 प्लाटून स्काउट और गाइड की हैं। और सभी के सभी जो पार्टिसिपेंट हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और उम्मीद है कि बढ़िया शो वो 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के अवसर पर देंगे। उच्च अधिकारियों से प्राप्त हुई है उसके मुताबिक सीपीएस श्री संजय अवस्थी जी यहाँ के मुख्य अतिथि रहेंगे। वहीं कुल्लू में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में अव्यवस्था परिवर्तन हुआ है। उन्होंने साथ ही कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने 5 साल हर विभागों में आउटसोर्स के नाम पर युवाओं को
अस्थायी नौकरी देकर खिलवाड़ किया है। साथ ही कहा कि पूर्व सरकार हर काम को आउटसोर्स भर्ती के माध्यम से करती थी, इसलिए जनता ने पूर्व की भाजपा सरकार को ही आउट कर दिया। अब ये आउटसोर्स के जमाने नहीं है। जो पूर्व में सरकार हर बात को आउटसोर्स पे करती थी, उस सरकार को इस लोगों ने आउट कर दिया है। अब ये सोर्स होगा तो परमानेंट सोर्स होगा, ये कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होगी जिसे कि वो कुछ समय के लिए बढ़िया व्यवस्था होगी। अब देखिए, व्यवस्था परिवर्तन का समय आ चुका। पूर्व कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने किसानों के हुए नुकसान के लिए सरकार से उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है। उन्होंने सुखू सरकार पर किसानों के हितों की अनदेखी का आरोप भी लगाया है। सरकार का कोई ध्यान जो है वो इस ओर नहीं है। मुझे लगता नहीं है कि किन्हीं कारणों से सरकार जो है वो कहां उलझन में है। इस पर सूखा पड़ा जहां जिसके कारण जो है वो फसलें नष्ट हुई, और अब बेमौसमी जो बारिश हुई है उसकी बहुत बड़ी, जिसमें फसलें जो है वो चपेट में आई हैं, और किसान का 70% से ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ है। मैं समझता हूं कि मैंने इस विषय को उठाया भी कि सरकार इस ओर ध्यान दे, और आने वाले समय में सरकार सीधे तौर पर या खाद और बीज के रूप में जो है वो किसान की मदद करे। वहीं कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने बताया कि बनोली डुगलू वासा कोठा हरनेरा सड़क का निर्माण नाबार्ड के तहत किया जाएगा। वो ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की बनोली खास पंचायत में जनसभा में बोल रहे थे। कि 9.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण पर करीब 8.25 करोड़ रुपए की लागत आएगी, और इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया भी इसी माह पूरी कर ली जाएगी, जबकि 3 किलोमीटर लंबे बरोह बनोली चछिया मस्तगढ़ सड़क का निर्माण भी प्राथमिकता पर किया जाएगा। इसलिए मैंने अभी अपने विभाग को भी आदेश दिया है कि हम पूरे के पूरे पंचायतों का एक क्लस्टर बनाएंगे, और उस क्लस्टर में हर एक विभाग काम करेगा। खेती बाड़ी का विभाग भी काम करेगा, पशुपालन का विभाग भी काम करेगा, सिंचाई का विभाग भी काम करेगा, जंगलात का विभाग भी काम करेगा, और हम एक एक खेत का सर्वे करेंगे किस प्रकार की मिट्टी है और किस प्रकार की फसल हम ज्यादा। खबर धर्मशाला से, जहां विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुधीर शर्मा के आवासीय परिसर में आधा घंटे तक संदिग्ध ड्रोन उड़ने का मामला सामने आया है। विधायक ने इसे लेकर अपनी सुरक्षा में सेंध पर किसी बड़ी साजिश का आरोप लगाया। इसकी शिकायत लिखित में कांगड़ा पुलिस को दर्ज करा दी गई है। शिकायत पत्र में सुधीर शर्मा ने बताया कि बुधवार शाम 6:30 से 7 बजे के बीच उनकी रक्कड़ स्थित आवासीय परिसर में एक संदिग्ध ड्रोन को देखा गया। इस दौरान उनके सुरक्षाकर्मी और निजी सचिव ने इस ड्रोन से वीडियो रिकॉर्डिंग होते हुए देखी। उन्होंने मामले की जांच पूरी हो जाने तक उनके साथ एक जिला पुलिस के एक सुरक्षाकर्मी की तैनाती की मांग की है। वहीं पुलिस ने जांच का भी भरोसा जताया है। तौर पर कोई इस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और वो आधा घंटा पूरे जितना भी हमारा प्रेमिसिस है इसके अंदर उड़ता रहा, तो वो खास किसी मंशा से मुझे लगता है कि किसी ने उसको भेजा होगा, रिकॉर्डिंग कर रहे थे। आजकल तो जो ड्रोन है उनका कुछ भी इस्तेमाल हो सकता है, तो अपने आप में सिक्योरिटी लैप्स तो है ही, लेकिन ये पुलिस को जाँच ये भी करनी चाहिए कि इस तरह के कौन लोग हैं, कितने लोग हैं जिला के अंदर या प्रदेश के अंदर जो ड्रोन का इस्तेमाल जो है वो बिना किसी की लीगल परमिशन के साथ कर रहे हैं, और ये जो है वो सिक्योरिटी ब्रीच भी है और निजता के ऊपर भी। आप ऐसे किसी के प्राइवेट प्रेमिसेस के अंदर जा ही नहीं सकते, खुद भी नहीं जा सकते हैं, और ये तो ड्रोन के द्वारा जिस तरह से फिल्मिंग का प्रयास किया गया।
खबर बिलासपुर से, जहां नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 205 पर एक शख्स की कार से 1 किलो 986 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस प्रवक्ता डीएसपी राजकुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि बिलासपुर पुलिस की एक टीम लखनपुर के समीप नाके के दौरान आने वाले वाहनों की चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान स्वारघाट की तरफ से आ रही एक कार की चेकिंग की गई, जिसमें भारी मात्रा में चरस बरामद हुई है। हमारे पुलिस स्टेशन सदर की एक टीम जो है वो लखनपुर के पास नाकाबंदी पर मौजूद थी। एसआई रामलाल जो है नाका इंचार्ज थे, उनकी अगुवाई में ये टीम जो है वहाँ गश्त और नाकाबंदी पर मौजूद थी सड़क पे, नेशनल हाईवे 205 पे। तो उसी दौरान जो है एक गाड़ी जो है मंडी से स्वारघाट की तरफ को जो है जा रही थी, ऑल्टो गाड़ी थी, तो उसको चेकिंग के लिए रोका, तो शक के बिना पर जो है इसमें एक व्यक्ति जो है बैठा हुआ पाया गया, जिसका नाम दिनेश कुमार है, जो चंबा सलोनी का रहने वाला है। तो चेकिंग के दौरान जब ये थोड़ा सा घबराया, तो घबराने की सूरत में जो है इसकी गाड़ी की तलाशी लेना जो है वो समझी गई। तो जब तलाशी ली गई, तो तलाशी के दौरान जो है इसकी गाड़ी से जो है वो 1 किलो 986 ग्राम जो है वो चरस बरामद हुई है। इस चरस को जो है कब्जा में ले लिया गया है। और इस बात हमीरपुर की करते हैं, जहां के कांगू गांव में आग की वजह से एक शख्स की मौत हो गई है। जिस शख्स की मौत हुई है उनका नाम अशोक कुमार है और वो 57 साल के थे। अशोक कुमार कश्मीर स्कूल में डीपी पद पर तैनात थे। गांव में आग स्लेट पोस्ट मकान में लगी थी और ये आग किस वजह से लगी इसकी जांच अभी की जा रही है। नूरपुर में युवक से मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल सुनील कुमार के नाम के शख्स ने आरोप लगाया कि वो सीमेंट में डिलीवरी के लिए सदवा गया था, जहां सुदेश नाम के शख्स ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे मारा और पीटा और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। तो वहाँ कुछ सदमों का सुदेश है और उसके 5-6 साथियों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। तो सर उन्होंने काफ़ी मार कोशिश की है मुझे, और मुझे बोल रहे थे हम तेरे को जान से मार देंगे, हमारे इलाके में क्यों आया इधर। तो मैंने बहुत उनसे रिक्वेस्ट की कि ऐसा मत करो और ऐसी लड़ाई ठीक नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, बोला जो करना तूने कर ले, बोला हमारी। और चलिए इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की अन्य खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।